जिला मुख्यालय हमीरपुर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिनों में जिला मुख्यालय में बाइक चोरी और एक घर में सेंधमारी की घटना सामने आई है। पुलिस थाना सदर के तहत पड़ते नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 1 कृष्णा नगर में एक पूर्व प्रधानाचार्य के घर पर सेंध लगाकर चोर 30,000 की नकदी और सोने की अंगूठी चुरा ले गए। चोरी का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कालिदास पुत्र मौलीराम निवासी हमीरपुर हाउस नंबर 191 वार्ड नंबर 1 कृष्णा नगर हमीरपुर में अपनी पत्नी सहित रहते हैं। शुक्रवार को वे अपने पुश्तैनी गांव टौणी देवी के पास एक रिश्तेदार की मौत पर गए हुए थे। जब वह वहां से वापस घर लौटे तो पाया कि घर का ताला टूटा हुआ है। इस पर जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। ऐसे में जब उन्होंने जांच की तो घर से 30,000 की नकदी और सोने की अंगूठी व अन्य गहने गायब थे। चोरी का पता चलने पर उन्होंने पुलिस थाना सदर को इसकी सूचना दी। एएसआई राजकुमार की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने साथ लगते सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांची है, लेकिन फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हमीरपुर में लगातार बढ़ती चोरियों से सभी चिंतित हैं। वाहन चोरों ने साथ ही घर में सेंधमारी व चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। थाना प्रभारी सदर निर्मल सिंह का कहना है कि पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा ने बताया कि चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। जिला मुख्यालय में कुछ दिनों में चोरी की वारदाताएं सामने आ रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से अगर कोई लोग आता है और यदि वह किराए पर रखा है तो उसकी जानकारी पुलिस को अवश्य दें। उपायुक्त हमीरपुर की तरफ से भी इस बारे में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लोगों के इस सहयोग से चोरी की वारदातों को कम करने में पुलिस को मदद भी मिलेगी। दो मामले और चोरी के जो हैं थाना सदर में पंजीकृत हुए हैं, जिसमें कि एक बाइक चोरी का मामला है और साथ ही साथ एक बर्गलरी, एक घर में जो है सेंध मारकर चोरों ने चोरी की है। तो इस संदर्भ में हमारी जो पुलिस थाना की टीम है वो सक्रिय हो गई है और हम जगह जगह पर सीसीटीवी फुटेजेस को उठा रहे हैं, उसे स्टडी कर रहे हैं और जैसे ही हमें जो भी लीड अभी सामने आएगी हम उस पर काम करेंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नाइट नाका और नाइट पेट्रोलिंग हमने बढ़ा दी है। मेरा सभी से आग्रह रहेगा, यदि किसी के घर के आसपास कोई प्रवासी मजदूर रहते हैं या कोई भी नया प्रवासी जो है वो आपके इर्द गिर्द आपको दिखाई देता है, तो इसी संदर्भ में जो जिलाधीश हमीरपुर हैं उन्होंने धारा 144 सीआरपीसी के तहत जो है एक ऑर्डर जारी किया है कि ऐसे सभी प्रवासी मजदूरों की जो है जो भी आपका लोकल थाना है वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी। तो अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो कृपया करके उसे अपने नज़दीकी पुलिस थाना में उसे ज़रूर वहाँ पर भेजें ताकि हम उसका पंजीकरण कर सकें और ऐसे में चोरियों को रोकने में भी हमें ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है।